आज हम देखेंगे आज के टॉपिक में इमरजेंसी, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन में उसमें इवैक्यूएशन ड्रिल कैसे होता है। तो आपके आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर कंपनीज रहेगी, उधर इमरजेंसी कुछ भी होती है, आतंकी होता है यानी कि फायर लग जाती है, कोई गैस लीकेज होता है, तो ऐसे सिचुएशन में इवैक्यूएशन होता जरूरी होता है दोस्तों। तो ये इवैक्यूएशन होता क्या है, तो आप इसका डेफिनेशन जानना चाहोगे, तो इवैक्यूएशन एक ऐसा ये प्रोसीजर है, जो भी आप किधर भी सॉफ्टवेयर में काम करें, जो भी आपका कार्यस्थल है, तो उसका तुरंत जैसे इमरजेंसी आपको दिखाई देगी तो तुरंत आपको उस कार्यस्थल को छोड़ के आपकी सेफ्टी जो असेंबली एरिया है नजदीक का उधर आपको मूव आउट होना है। तो आपके कार्यस्थल को छोड़ना और सेफ्टी असेंबली एरिया में जाना उसी को ही इवैक्यूएशन बोलते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे इन केस ऑफ फायर का अगर इमरजेंसी है, आपको लगता है कि किधर फायर है लगी हुई है, तो तुरंत आपको ये देखना है आपका जो भी वर्क कर रहे हैं वो तुरंत स्टॉप कर देना दोस्तों। उसके बाद में आपको जिधर भी फायर लगा है उधर देखना है, अगर वो छोटी साइज यानी कि स्मॉल फायर है तो आप उसका परफेक्ट जो भी उसके ऊपर इस्तेमाल करने वाला फायर एक्सटिंग्विशर है उसको करके उसको बुझा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर वो फायर बिग है उसको आप बुझा नहीं सकते, तुरंत दोस्तों क्या करना है, जो भी आपका पावर पॉइंट यानी कि एमसीपी बोलते हैं उसको, मैनुअल कॉल पॉइंट, तो उसको पुश करना है या तो बटन उसका तोड़ देना है, ब्रेक ग्लास होता है उसको कट करना है, और तुरंत ही जैसे आप उसको दबाएंगे तो तुरंत आपकी कंपनी में फायर का अनाउंसमेंट शुरू होगा, पीए सिस्टम अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद में जिधर भी जो भी आपके जो कनेक्ट है उनको बोलना है या दोस्तों की फायर है लगा हुआ है, इट्स इन इमरजेंसी टू मूव प्लेस, और जो भी उनको बोलना है कि रन नहीं करना यानी कि फास्टली दौड़ना नहीं है, किसकी इंजरी हो जाए तो दौड़ने के सिवा आपको फास्ट ऑफ करना है, तुरंत जो भी नजदीक इमरजेंसी एग्जिट डोर है वहां से मूव आउट करना है, आपको तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करना है, जो भी इमरजेंसी में आने वाली एम्बुलेंस वगैरह इन सब आदि चीजों को कॉल करना है दोस्तों। उसके बाद में आपको जो भी टीम्स है उसमें तो इन्वॉल्व होती है, हर एक कंपनी में आप देखेंगे तो सिक्योरिटी टीम होती है, ईआरटी टीम होती है यानी कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होती है, ये टीम उसमें इन्वॉल्व होती है दोस्तों इवैक्यूएशन ड्रिल में। तो इवैक्यूएशन जब भी इमरजेंसी आती है तो ये सब जो भी टीम्स है तो वर्कआउट हो जाती है, रेस्क्यू टीम होती है तो वर्कआउट शुरू होता है उनका, जो भी नजदीक का जो पैसेंजर या इमरजेंसी डोर है उधर से इट्स एन इमरजेंसी बोल के सबको भगाते हैं, और उस इमरजेंसी में स्टेयरकेस का यूज करना है दोस्तों। स्टेयरकेस कभी भी ऐसे इमरजेंसी में कभी भी लिफ्ट का यूज नहीं करना है दोस्तों, तो लिफ्ट फॉर्म बंद होनी चाहिए दोस्तों, तो स्टेयरकेस का यूज करके आपको सेफ असेंबली एरिया में जाना है। तो अभी स्टेयरकेस का यूज करते टाइम आपको ये आपको बात याद रखनी है कि स्टेयरकेस से आप नीचे उतरेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का यूज करना है, का क्यों लेफ्ट हैंड साइड का यूज करना है, तो दोस्तों आप लेफ्ट हैंड साइड का यूज करोगे तो राइट हैंड साइड जो भी होगी वो रेस्क्यू टीम के लिए मूवमेंट करने के लिए या तो फायर ब्रिगेड को मूवमेंट करने के लिए आपको खाली छोड़ देना है दोस्तों। उसके बाद में जब भी आप इवैक्यूएशन ड्रिल स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देना है दोस्तों, जो भी आपके कंपनीज में आपको पहले पता चल होना चाहिए कि प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको यानी कि उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए दोस्तों। जो भी उसका लोकेशन पता होना चाहिए, उसको व्हील चेयर या तो जो भी इवैक्यूएशन चेयर होती है उसके ऊपर से उसको पहले असेंबली एरिया में लेके जाना है दोस्तों। उसके बाद में आप देखेंगे फिजिकल चैलेंज पर्सन होते हैं तो उनको भी आपको फैसिलिटी सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए दोस्तों, उनको भी आपको पहले सेफ असेंबली एरिया में लेके जाना है दोस्तों। तो उसके बाद में जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो दोस्तों कभी भी घबराना नहीं है, पैनिक होना नहीं है, डोंट पैनिक, जो भी आपका वर्क है वो तुरंत स्टॉप करना देना चाहिए और सिचुएशन को समझ के आपको तुरंत जो भी आपका नजदीक का फायर एग्जिट डोर है वहां से लीव आउट होना चाहिए दोस्तों। तो उसके बाद में अगर जो भी जब आप लीव करोगे तो अपने असेंबली एरिया में पहुंच जाओगे तो दस सब एकत्र होना चाहिए, आपने जो भी रजिस्टर से एचआर का काउंट होता है उससे वो मिलाते हैं कितने ऑफिस में कितने पर्सन आए थे, आज ड्यूटी पे लिए वेंडर कितने थे, विजिटर कितने थे, अलग अलग लाइन में खड़े करके उनका काउंट लिया जाता है, तुरंत कोई अगर फंस गया तो नहीं। और इवैक्यूएशन ड्रिल में हर एक जो भी रेस्क्यू टीम होती है वो हर एक मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम, वॉशरूम्स, ये जो रेस्ट रूम है सब चेक करते हैं, उसमें कोई अंदर तो बैठता नहीं, कभी कभी होता है पीए सिस्टम का अनाउंस वहां उस लोकेशन तक जाता नहीं, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, तो ये सब जो भी रेस्क्यू टीम है, ये सिक्योरिटी टीम है, अदर ईआरटी टीम है, सब अपनी कंपनी का पूरा मीटिंग रूम वगैरह चेक करती है, उससे सब जो भी पर्सन है एम्प्लॉय उनको सेफ असेंबली एरिया में लेके जाती है दोस्तों। तो तुरंत ये कितने देर में होना चाहिए इवैक्यूएशन किसी कंपनी का,
तो उसका टाइम रहता है 2 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स या तो 3 मिनट्स मैक्सिमम। तो ये 2.5 या 3 मिनट में इवैक्यूएशन कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों, पूरा आपका टीम है वो असेंबल एरिया में क्विक जाना चाहिए दोस्तों। तो उधर जाके पूरा काउंट होता है कोई सब जितने भी आए थे आज तो उतने बंदे है क्या, अगर कोई इधर उधर है तो उसका देख लेते हैं। तो दोस्तों फिर तुरंत उसके बाद में आपको उधर ही रुकना है, किधर दूसरे एंट्रेंस से किधर भी मूव आउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप मूव आउट हो जाएंगे तो जो भी एचआर पर्सन है या जो आपका अकाउंट लेने तो उसमें आप मिसिंग दिखा दोगे तो उनको हेडेक ज्यादा हो जाएगा दोस्तों कि पर्सन आया था लेकिन किधर गया। तो जो भी आपका असेंबली एरिया है उसमें आपको रोकना है दोस्तों। और उसके बाद जब तक रेस्क्यू टीम या तो एडमिन सिक्योरिटी टीम जो भी है, जो उनका चार्ज है, जो भी आपको ग्रीन सिग्नल देता है दोस्तों, तब तक आपको वहां से मूव आउट नहीं होना चाहिए और उस कंपनी में दोबारा एंटर नहीं करना चाहिए। जब भी आपको रेस्क्यू टीम का ग्रीन सिग्नल दिखाई देगा तो आप कंपनी के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आप इमरजेंसी में इवैक्यूएशन ड्रिल कैसा होता है, उसके क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या टेक्निक्स है, कैसे हमें क्या क्या डिसीजन लेना है, कैसे हमको मूवमेंट करना है, आज मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।